एचपी चंद्रा ने बताया है कि मॉनसून की मौजूदा स्थिति अभी कर्नाटक और तमिलनाडु के पास है, वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना फिलहाल तो नहीं है। धूप छांव जैसी स्थिति मौसम की रहने वाली है और आने वाले दिनों में लगातार गरज चमक के साथ छत्तीसगढ़ में बारिश यूं ही होती रहेगी। छत्तीसगढ़ में मानसून के आने की और देरी हो सकती है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 20 जून के आसपास मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, लेकिन अब मौसम विभाग ये संभावना जता रहा है कि 23 के आसपास छत्तीसगढ़ मानसून पहुंच जाएगा और बस्तर उससे 2-3 दिन पहले पहुंचेगा, तो काफी लेट इस बार मानसून हो गया है। अभी मानसून की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो कर्नाटक और तमिलनाडु के पास मानसून अभी मौजूद है और अभी धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ तो मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा दासन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरवार वजह क्या है इतनी मानसून का छत्तीसगढ़ लेट आने में। सर, क्या वजह सामने आ रही है और क्या अभी वर्तमान स्थिति है मानसून को लेकर? अभी फिलहाल चूंकि वायु जो चक्रवात बना था अरेबियन सी में, उसके कारण से जो विंड है वो आना चाहिए और साथ ही विंड के साथ में जो मॉइस्चर आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था, जिसके कारण से जो कुछ एक क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत मानसून डिक्लेयर करते हैं, तो चूंकि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा था, इसलिए अभी तक मानसून की जो पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। फिर भी जो पूरा केरल को कवर कर लिया है, कर्नाटक के कुछ भाग मैसूर तक पहुंच गया है, उधर कुड्डालोरे करके तमिलनाडु में पहुंच गया है, उधर है नॉर्थ ईस्ट में गोल पा रहा है और गंगटोक तक पहुंच चुका है। तो ये है कि चूंकि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इधर और संभावना है कि जैसे ही कुछ सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बनते हैं उसके बाद में फिर तेजी से मानसून है वो आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो कब तक सर 23 के आसपास संभावना जताए? अभी फिलहाल चूंकि एकदम से उसको क्योंकि ये संभावना का विज्ञान है, इस पर एग्जैक्टली डेट देना मुश्किल है। फिर भी ये है कि 5-6 दिनों में उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्रवेश कर सकता है। तो मौसम विभाग भी अंदेशा जता रहा है कि अगले 5-6 दिनों में मानसून छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, हालांकि अभी धीरे धीरे वो यहाँ पर बढ़ रहा है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम में परिवर्तन होने के आसार दिख रहे हैं। लगातार आने वाले 4-5 दिनों में गरज चमक के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश होगी और इसके साथ ही एक चक्रवाती घेरा बना है जिसके कारण खास करके साउथ छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।